ਲੋ ਬਈ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਂ ਜੀ ਕਪਿਲ ਭਾਜੀ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਵਿਪਾਸ਼ਾ ਦਾ ਲਵ ਬਰਡਸ ਨਾਲ ਕਰਨ ਚਲੋ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵੇਖਣੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸੀ ਕਿ ਬਚਪਨ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਵੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਕਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਵੀਕ ਜੀ एक मोहतरमा से मेरी मुलाकात हुई थी अच्छा जी मैंने उनको चार ऑप्शन दिए क्या अभी 50-50 है अगर उनका फोनो फ्रेंड आ गया तो फिर ऑडियंस पोल के नीचे हमारी मुलाकात जरूर होगी बचपन साहब ये कैसी बातें कर रहे हैं आप पेटली सी बातें ये पेटली सी बातें पेटली सी बातें करते रहना चाहिए यू नो मेरी मेरी एक और मोहतरमा से मुलाकात हुई मैंने उनसे पूछा कि क्या आप मेरे साथ डिनर पे चलेंगी एंड ही सेड नो ही सेड नहीं शी सेड नो नहीं उनके पति ने मना कर दिया ना ही सेड नो पति ने मना कर दिया ही सेड नो बट सी She said no. अच्छा मोहतरमा ने भी आपको मना कर दिया? No, she said no. 9 बजे मुझे आके मिलो. और मैंने कह दिया no means no. अच्छा आपने मना कर दिया? नहीं मना नहीं किया मैंने कहा सुबह 9 बजे मिलूँगा. No means no. सुबह के 9. अच्छा. एक मिनट कपिल साहब एक छोटा सा काम कर देंगे आप मेरा? जी सर. ये मेरा नौकर है ये 15 दिन की छुट्टी मांग रहा है. तो आप इससे पूछिए कि छुट्टी क्यों मांग रहा है. आप खुद पूछ लीजिए ना मुझे क्यों बोल रहे हैं. अरे नहीं बाबा अगर मेरे सवाल का उसने सही जवाब दे दिया तो मुझे उसको पैसे देने पड़ जाएंगे. क्योंकि मैंने अपने नौकर को सैलरी पे नहीं रखा है सवाल जवाब पे रखा हुआ. हाँ सही आंसर देगा तो हाँ मुझको लगा था अनपढ़ है सही जवाब नहीं दे पाएगा. बहुत बड़ा शाना निकला हर बात का सही जवाब देता है. बचपन साहब आप अपनी बात करने शुरू हो गए उनके गेस्ट के साथ उनकी बात करो ना कोई आप. अरे नहीं जरूर विपाशा वी हैव वर्क टुगेदर आए. यस आपने मेरा गाना देखा होगा वो खई के पान बनारस वाला. लेकिन मुझे अपना पान पसंद नहीं है मुझे आपका पान पसंद है. इनका कौन सा पान है? आवारा पान. आपका पान कमाल का है. व्हाट अ वंडरफुल एक्टर हुआ. नो एंट्री में क्या काम किया था विपाशा के लिए. वैसे कमाल की बात है कल ही मैं नो एंट्री में चला गया. हाँ वैसे नो एंट्री में जा रहा था. आपका सुप क्या कोई खरीदता ही नहीं है. ये गिरता है मैं खुद डालता हूँ और खुद 10 रुपए अपनी जेब में डाल देता हूँ. बड़ा प्रॉब्लम. फिर आप क्या? फिर मैं नो एंट्री में घुस गया. नो एंट्री में जा रहा था और कमाल की बात है आरटीओ वाले ने मेरा चालान भी नहीं काटा. क्यों? क्योंकि मैं गाड़ी नहीं चला रहा था. फिर तो फिर ये क्या कर रहे थे आप? ये तो मैं जॉगिंग कर रहा था ना. वो क्या है कि फैंस के पीछे भी भागना पड़ता है. अरे फैन आपके पीछे भागे वो तो असली वाले के पीछे भागते हैं ना. हम तो खुद ही पब्लिक के पीछे रहते हैं क्योंकि असली वाले के हम भी बहुत बड़े फैन हैं. एक मिनट हमने यहाँ पे दिलेर पाजी को बुलवाया था आप कहाँ से आ गए? आना तो दिलेर पाजी ने था उनकी आवाज मेरे से निकली मैं मीका बन गया. सबसे पहले तो नकली बचपन भाजी पैर बना जैसे मैं नकली बचपन हूं ये मीका की 7वीं नकली कॉपी है. देखो अर्चना जी. हाँ जी. एक नकली एक्टर ही नकली एक्टर की इज्जत करता है. कपिल आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज उन्हें करण जी को और विपाशा जी को बुलाया मेरे मन बुला आप दोनों को मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई. बॉलीवुड की बहुत प्यारी जोड़ी जोड़े तालियां. करो भाई सीधा भाई मैं बहुत खुश हूँ आपको. बैठिए प्लीज बैठिए बैठिए. इतनी इज्जत नहीं अपनी. नहीं वो बताया गया नकली हम भी नकली ये भी नकली
तो विपाशा जी, जी मैं इतना खुश हूँ सच्ची, एक पर्सनल सवाल है, इफ यू डोंट माइंड। नो आई डोंट माइंड। जैसे इंडस्ट्री में बहुत सारे करण हैं, आपने कैसे डिसाइड किया कि मेरे वाला करण यही होगा? ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी है? वैलिड क्वेश्चन। मेरे हिसाब से बदतमीजी वो होती है जिसमें पुलिस आ जाए। ये कोई मेरे तो एक प्यार है, मतलब ऐसे पूछ लिया क्या होगा? ये आप क्या कर रहे हैं? आपको यहाँ पे किस कार्य के लिए बुलाया गया है और आप क्या कर रहे हैं? किस वाला काम मैंने बंद कर दिया? क्या मैं आपको अच्छा विपाशा जी, एक चीज और पूछनी है, पूछनी क्या, मैंने बतानी है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, इतना बड़ा फैन हूँ आपका, आज मैं सबके सामने कहता हूँ कि मैंने आपका बाजू पे टैटू भी बनवाया हुआ। अरे वाह, कौन से बाजू में बनवाया? नहीं नहीं, वो बाजू में मेरा दोस्त है, उस पर मैंने बनवाया। वो चिल्लाता रहा, नहीं नहीं छोड़ दो मुझे, मैं सलमान का फैन हूँ। मैं कहा नहीं, जिसका मैं फैन हूँ उसका टैटू बनेगा, मैंने बनवाया। सुनिए, आपने इनकी कौन कोई फिल्म देखी है? आप फिल्म की बात कर रहे हैं? फिल्में देखी, फिल्में सारी फिल्में देखी मैंने। कपिल, मैं झूठ नहीं बोलता जी, मैंने आपकी लव स्टोरी भी देखी। वो है, एक मिनट, लव स्टोरी नहीं, इन्होंने हेट स्टोरी में काम किया था। इनकी असली लव स्टोरी मैंने देखी है। अच्छा। ये लव स्टोरी जो है ना, ऐसी लव स्टोरी कहीं और नहीं सकती। मुझे सब पता है, जब से आपका प्यार चल रहा है, मैं मुझे ये भी पता है, पहले आप अलग अलग रहते थे, आजकल आप इकट्ठे रहते हैं। तो पहले शादी नहीं हुई थी ना, अब शादी हो गई है, साथ में रहेंगे ना? अच्छा, ये होता है मतलब शादी से पहले इकट्ठे नहीं रहते थे? मेरे को पता नहीं, कपिल तूने बताया मेरे को। एक सेकंड, राजू मेरे घर से निकल जा, शादी से पहले हम इकट्ठे नहीं रह सकते। एक मिनट, हाँ बचपन साहब, एक आलू वाला परौठा एक कप चाय बना दो, मजा आ जाए। अरे मैं क्यों बनाऊँ आपके लिए? और राजू को निकाल दिया, कौन है, भूखा थोड़ी मरना मैंने। अच्छा, एक एक आपकी तो शादी हो चुकी है ना? हाँ? अरे 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 राजू, बचपन साहब के घर पे तुम रुक जाओ, वो शादी शुदा है। ये क्या बकवास लगा रखा है आपने? जिस काम के लिए आए वो करिए, काम करिए, एक बढ़िया सा गाना गाइए। आप गाना गाइए, मैं लिप सिंक करूंगा, ओके? क्या बात है, क्या बात है, मेहनत हम करें, क्रेडिट ये, मैं गाना गाऊंगा, ये तो गंदी बात आप कर रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। मैं गाना गाऊंगा, हाय फ्रेंड्स, आज या वैलेंटाइन जो था तालियां बजाएं आपके लिए, आपके लिए आज रेडी पार्टी सॉन्ग। और हाय हाय पार्टी नाइट, आपकी पार्टी में हमेशा पुलिस आ जाती है। आप कोई बढ़िया सा कुछ रोमांटिक सुनाइए। हाँ ठीक है, तो पेश है 12 महीने से 12 तरीके से तुझको प्यार सिखाऊंगा रे। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा कम करिए, 12 महीने में 8 तरीके से प्यार सिखाऊंगा मैं। नहीं नहीं, 8 तरीके जो हैं वो 12 ही रहने दीजिए, महीने थोड़े से कम कर दीजिए। मतलब ये भाई तीन महीने, ये बहुत, 3 महीने में 12 तरीके मेरे से नहीं, डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम किसी और को देख लेते हैं। एक मिनट बचपन साहब, यार कमाल है आपका, हम केबीसी देखते हैं, उसमें 4 ऑप्शन देते हो, हमने कभी कहा 2 कम कर दो, देख रहे हो, तो प्लीज एडजस्ट करो। मतलब आप 12 महीने से नीचे नहीं आएंगे? नहीं, मैं 12 महीने तो 12 महीने लो। आप 12 महीने से नीचे नहीं हैं? बिल्कुल नहीं। मिक्का के अंदर छुपे लहरी साहब, यहाँ पर आपके 2 एपिसोड बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, और ये 12 महीने की तैयारी कर रहे हैं। वाह वाह, बहुत ही बढ़िया वैसे है ना, लहरी बहुत जबरदस्त है, मतलब बहुत सोहनी उन्हें की थी। अच्छा, इधर आ की भला लहरी लहरी सी ओदा रोल ही दा खास कोई नहीं वे नहीं रोल दे दा इतना फनी रोल सी विच ते ओ ते शो ओ देखो ऊपर से नजर आ रहा ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜੇ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰੀ ਸੁਦੇਸ਼ ਲਹਿਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸੁਦੇਸ਼ ਲਹਿਰੀ ਸੀ ਬੜਾ ਨੇ ਵੈਸੇ ਗੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੀਕਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਚ ਰੈਡੀ ਚ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੱਤ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਨਾ
ਬਾਬਾ ਚੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਤਾਂ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਅੱਛੀ ਸੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਬਚਪਨ महीने कुछ कम करो तरीके बारह रहने दो महीने कुछ घट कर ਸ਼ੇਪ ਅੱਛੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਗੈਟਅਪ ਉਹਦਾ ਮੀਕਾ ਦਾ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੇ ਮੀਕਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੀਕਾ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇਲ ਵੀ ਆ ਮੀਕਾ ਦੇ ਆਹੋ ਇੱਥੇ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਚਲੋ ਜੀ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ